प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति का संदेश प्रभु के दास सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के हमारे संदेश के लिए हम एक कलम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 कलम 16। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौत पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये कलम बाइबल में सर्वश्रेष्ठ कलम तरीके माना जाते हैं। ये कलम बहुत गहराई से अध्ययन करने के लायक है, परंतु इस संदर्भ में, इन वातावरण में इस कलम को हम इस प्रकार देख सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम इस सारे जगत में किस प्रकार प्रकट हुआ करके सारे जगत के लोग बहुत गंभीरता से गहराई से सोचेगा तो बहुत अच्छा है। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौत पुत्र दे दिया। हम इस जगत में परमेश्वर का प्रेम भिन्न भिन्न प्रकार में हम देख सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम के वजह से आप और मैं आज धरती में है। इतना भयानक महामारी के बीच में हम जीवित इसलिए है, परमेश्वर का प्रेम है। हम इसलिए जीवित है, हमारे प्राणवायु हमको मिलते हैं। आज के समय में प्राणवायु के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते हैं। महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़रूरत है। प्यारो, परमेश्वर का प्रेम के वजह से हम इस समय उस वायु को ले रहे, जीवित है, श्वासोच्छ्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर का प्रेम हम चखते हैं। हम जो सुबह से लेकर शाम तक जो खाते हैं पीते हैं, यहाँ हम चलते हैं फिरते हैं चारों तरफ देखते हैं, इसमें से कौन सी वस्तु परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखाते? सारे आकाश मंडल की ओर देखो, प्रकाश देने वाले सूर्य की ओर देखो, रात को चंद्रमा देखो, तारागणों को देखो और धरती की ओर दृष्टि करो। इतना वनस्पति, इतना सस्य जाल परमेश्वर ने हमारी ओर प्रेम करके दिया। आपका रूप, मेरा रूप और करोड़ों लाखों लोगों की रूप, और परमेश्वर ने दिया गया उस सुंदर शरीर, उसके अंदर रचा हुआ बुद्धि ज्ञान, हर एक कार्य परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके मनुष्य जाति को दिया।
लेकिन इस कलम मैंने जो पढ़ा है ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौत पुत्र दे दिया। ये प्रेम से गहरा ही प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम अपने पुत्र को देने में दिखाई दिया। हम दूसरे एक भाग में ऐसा पढ़ते, अपने पुत्र को रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दिया है। हम परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर का प्रेम के कारण हम इतना आशीष पाए हुए लोग हैं, और सारी आशीष के अंदर हम एक कार्य किया है, परमेश्वर को भूला, परमेश्वर को छोड़ा। अभी भी आप देखो इस महामारी में लोग वैक्सीन ढूंढे हैं, लोग ऑक्सीजन ढूंढे हैं, लोग दवाखाना ढूंढे हैं, डॉक्टरों को ढूंढे हैं, तो अवश्य है, ढूंढना चाहिए, लेकिन ये नहीं ढूंढे हैं कौन ये दिया है, कौन ये प्राणवायु दे रहे, कौन को बचा सकते हैं, कौन मेरा शरीर को बनाया, कौन मुझको चंगा कर सकते हैं करके लोग नहीं ढूंढे। तो परमेश्वर का प्रेम हम सचमुच में समझ में नहीं हो सकता है, हम नहीं समझते हैं, हम भूल जाते हैं, हमको कोई धन्यवाद की स्वभाव नहीं है। इस समय परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को भेजा ताकि हम समझे परमेश्वर का प्रेम क्या है। हम पाप करके परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गया, परमेश्वर के विरोध में हम पाप करने लगा, हम परमेश्वर के रूप को, ईश्वर के रूप को कुछ अन्य देवता के रूप में बदल डाला, पत्थर को, झाड़ को, पहाड़ों को, सांप को, जानवरों को पूजा करने लगा। हम परमेश्वर का सच्चा प्रेम को भूल गया, इसलिए परमेश्वर ने हमारे ओर प्रेम करके, परमेश्वर ने जगत को प्रेम करके, केवल एक राष्ट्र को नहीं, पांच भूखंड को, सारे विश्व को प्रेम करके अपने पुत्र को दे दिया, ताकि वह लिखा है कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। प्यारो, परमेश्वर ने इतना प्रेम करके ये सारे जगत के विभव को हमको दिया, संपत्ति को हमको दिया, सब कुछ हमको दिया, लेकिन हमारा आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, ताकि हम पापी होते हुए अनंत नाश की ओर जाएंगे, उससे बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, पापियों को ढूंढने के लिए, पापियों का पापों को लेकर सूली पर अपना प्राण देने के लिए, हमारे बदले अपना प्राण की आहुति देने के लिए, हमारे पापों के बचाव के लिए, उद्धार के लिए, हमारे तारण के लिए यीशु मसीह अपना प्राण दिया। इसलिए वहाँ लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। प्यारो, अभी ये महामारी में बहुत लोग मरते हैं, मरने की बात देखकर सुनकर लोग अपना दम छोड़ देते हैं, लोग भय में आ रहे, भयभीत हो रहे, लोग मन में बहुत शंका पैदा हो रहे है, बहुत बड़ा घबराहट में लोग आ रहे हैं, मरेगा तो क्या होगा करके, बहुत लोग मर गया इस बातों को सोच सोच कर, कोरोना से मरने से ज़्यादा लोग भयभीत होकर मर जाते हैं। लेकिन प्यारो, क्यों मरते हैं, मरने के बाद क्यों डरते हैं, उसका कारण मनुष्य पाप किया है, पापों का सजा है मृत्यु, मृत्यु के बाद दंड है। यीशु मसीह ने ये दंड को लेने के लिए, हमारे पापों की सजा लेने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, हमारे लिए मरा और हमारे लिए सूली पर एक बलिदान के रूप में मरा, मरने के बाद गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं आनंद जीवन मिलेगा, यह है परमेश्वर का प्रेम। प्यारो, आज सुबह इस भयानक वातावरण में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए, ताकि आपका प्राण कभी नष्ट नहीं होगा। कुछ भी आए, कुछ भी कार्य हो, मर जाए
तो भी आप जी उठेंगे, मसीह के साथ अनंत जीवन पाकर स्वर्गवास हो जाएंगे और आप आनंद जीवन की भागीदार होंगे, परमेश्वर का संतान हो जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।